अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर ऑफिशियल पेज क्रिक इन्फो कश्मीर। तो मेरे साथ जुड़े हैं सईद मंजूर साहब, जो कि हसनपुरा प्रीमियर लीग के ऑर्गेनाइजर हैं। तो सर, आपका खैर मकदम है हमारे ऑफिशियल पेज क्रिक इन्फो कश्मीर पे। थैंक यू। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आपने ये लीग जो यहाँ पे स्टार्ट की है, इससे पहले यहाँ पे जो है नॉकआउट टूर्नामेंट्स होते थे, तो पहली बार यहाँ पे शायद लीग होने जा रही है, तो इसके पीछे मेन मकसद क्या है ये लीग स्टार्ट करने का? शुक्रिया। देखिए, जैसा कि अभी मेरे ख्याल से 15-20 साल से यहाँ पे हम टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, और मोटिव एक ही है, क्योंकि खुद भी काफ़ी टाइम मेरे ख्याल से 30 साल क्रिकेट खेला है, और मोटिव एक ही है कि जो अच्छा अच्छा टैलेंट है उसको प्रमोट किया जाए, और बेहतरीन से बेहतरीन जो यहाँ पे वेन्यू प्रोवाइड कराया जाए, जो बड़िंग क्रिकेटर्स हैं या फिर जो बाकी भी गेम है यहाँ पे होती है, फुटबॉल होता है, वॉलीबॉल होता है, तो उसके साथ साथ हमारा यही कंसर्न है कि अच्छे से अच्छा यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म मिले यंग जनरेशन को, ताकि वो आगे इस फील्ड में बढ़े। और साथ ही साथ हमारा यही एक मुद्दा व मकसद है कि जो आने वाली जनरेशन है, देखिए आज की डेट में आपको मोबाइल का मैनेंस सबसे ज़्यादा मिलेगा, ड्रग्स का मैनेंस आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा, और बाकी जो खराफाती काम है, मतलब और भी बहुत सारे आर्ड वर्क्स हैं जिसमें आज की यूथ इन्वॉल्व होती जा रही है, और हमारा मकसद है कि उन गलत राहों से उन लड़कों को हटा के एक सही ट्रैक पे लाया जाए, क्योंकि मकसद जहाँ पे भी लीग होती है या टूर्नामेंट होता है, मकसद यही होता है किसी भी ऑर्गेनाइजर का कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म खेलने के लिए मिले, साथ साथ एक हेल्दी बॉडी, और एक हेल्दी बॉडी के अंदर आपको एक हेल्दी माइंड मिल सकता है, और अगर ये चीज़ में हम सक्सेसफुल रहे तो मुझे लगता है कि हमारा जीवन जो है सफल हो जाएगा, और हमारी ज़िंदगी का जो है मकसद वो पूरा हो जाएगा। और साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, देखिए हम एक फैमिली ट्रस्ट भी चलाते हैं, वुमेन एक्स ट्रस्ट, उसका भी हमारा जो इसके साथ भी हमारा ताउन है, और वो ट्रस्ट मेरे ख्याल से हमारी ही बॉडी जो है मैनेजिंग बॉडी है वही चलाती है, और उसमें हमारा जो प्राइमरी कंसर्न है वो हम उसमें जो है ऑर्फन जो लड़कियां होती हैं उनकी मैरिज के लिए हम असिस्टेंस करते हैं, साथ साथ हम ऑर्फन किड्स को एजुकेशनल फाइनेंशियल असिस्टेंस करते हैं, और उसके अंदर भी जो है टूर्नामेंट में से कुछ आधा हिस्सा जो है जो हमारे पास जो किटी में फिर एंड में जो बचता है कुछ पैसा, तो उस ट्रस्ट के अंदर भी चला जाता है, जिससे हम फलाई काम भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, जैसा कि आपका कहना है कि इस लीग के हवाले से जो आपने यहाँ पे स्टार्ट की है, कि यहाँ के जो लोकल यूथ है उनको किस हद तक बेनिफिट हो सकता है? देखिए, जाहिर सी बात है, अगर आप किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म यूथ को अवेलेबल कराएंगे तो उसका तो फायदा जाहिर सी बात है होगा, क्योंकि अगर आप एवरीडे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको अगर 22 खिलाड़ी यहाँ पे होते हैं एक मैच खेलने के लिए, तो उसमें आपको देखिए एक अच्छा खासा टैलेंट मिलता है, उसको जब यहाँ पे एवेन्यू अवेलेबल है, एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, जाहिर